सामने रिवर बहती हुई भाई देखो सामने, और ये देखो भाई ऊपर स्नो के पहाड़, ये बर्फीला पूरा मतलब होए, और इधर भी देखो पूरा मतलब सलमान खान की जो मूवी होगी ना शायद ऐसी जगह बनी थी वो। ऐसी है भाई कारगिल सिटी, तो जहाँ पे अभी हमने पार किया है आपको दिखाया था, और ये यहाँ पे भाई स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए भाई रिवर का पानी का फ्लो कितना तेज है, देख रहे हो कितना तेज है भाई फ्लो, देखना देखना भाई सब। कोई भी आपका सिग्नल नहीं चलता, ना जियो ना एयरटेल ना पोस्टपेड ना प्रीपेड कुछ नहीं। तो ये भाई कारगिल वाला है, तो ये हो गई भैया हमारी सॉस मिक्स, यार देख क्या बात है। रास्ते में चल रहे हैं, टिक्की भी नहीं बना सकते नहीं तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। चलो बढ़िया, तो भाई हम भी खाते हैं बर्गर, करते टेस्ट। गाइस देखे भाई ये देखो भाई सीन देखना, ऊपर मकान बने हुए हैं, काम चल रहा है बहुत ज्यादा, और देखो सामने रिवर बहती हुई भाई देखो सामने, और ये देखो भाई ऊपर स्नो के पहाड़, ये बर्फीला पूरा मतलब होए, और इधर भी देखो पूरा मतलब सलमान खान की जो मूवी होगी ना शायद ऐसी जगह बनी थी वो, टाइगर अगेन टाइगर, टाइगर बैक, दुनिया भर की जो भी मूवी बनी है। देखो भाई नज़ारा बहुत अच्छा है भाई यहाँ का, देखना ये क्या बात है। ये कारगिल है भाई, तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कारगिल है। देखते हैं अगर कहीं हमें मिलता है स्टे करने के लिए तो यहाँ भी स्टे कर सकते हैं, वरना सोनमार्ग ही निकलेंगे सीधा। तो सामने देखो भाई क्या पहाड़ी पे घर बने हुए एक एक भाई, देखो ये देखो देखो नीचे नदी बहती हुई। ऐसी है भाई कारगिल सिटी, तो जहाँ पे अभी हमने पार किया है आपको दिखाया था, और ये यहाँ पे भाई स्टे कर सकते हैं, रह सकते हैं आप, और देखो भाई कुछ ऐसा नज़ारा है, देख रहे हो यहाँ पे सिटीज भी है, यहाँ रुक सकते हो, कुछ खरीदना चाहे शॉपिंग कर सकते हो, शॉप्स भी है, हर चीज़ है यहाँ पे, देखो बढ़िया। तो फाइनली भाई लद्दाख भी पहुँच गए, देख रहे हो, सॉरी कारगिल, कारगिल है भाई यहाँ पे। तो दोस्तों ये देखिए भाई रिवर का पानी का फ्लो कितना तेज है, देख रहे हो कितना तेज है भाई फ्लो, देखना देखना भाई सब। ऐसा हो रहा जैसे गर्म पानी उबल रहा हो, हैं? ऐसा हो रहा है जैसे गर्म पानी उबल रहा हो, वही तो देखना क्या? और एरिया देखो भाई ग्रीनरी नदी ऊपर पहाड़, क्या बात है भाई। तो सामने देखे भाई कारगिल जो सिटी थी वो पार कर लिया, लेकिन ये कारगिल ही अभी भी, और श्रीनगर यहाँ से लगभग 190 किलोमीटर है। और सामने देखिए भाई व्यू, ऊपर टॉप पर देखिए छोटा सा आपको देखिए स्नो पहाड़ दिख रहा होगा, बाकी साइड में पहाड़ है, ये देखिए कुछ व्यूस, अब बराबर में ये नीचे हमारे रिवर बह रही है, अब पानी वाटर फ्लो इतना तेज है ना भाई, तो ये देखो अगर थोड़ा बहुत आपको दिख रहा हो तो ये देखो कितना फ्लो है भाई, देखो देखना देखो कितना फ्लो है भाई वाटर का। तो गाइस भाई कोल्ड ड्रिंक ली शॉप से, वाईफाई के लिए बोला, बट भाई यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, कोई इंटरनेट कोई भी आपका सिग्नल नहीं चलता, ना जियो ना एयरटेल ना पोस्टपेड ना प्रीपेड कुछ नहीं। तो ये भाई कारगिल वाला है, तो यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है भाई, भाई पहली बार सुना मुझे पता नहीं थी, तो आपको भी भाई ये चीज़ बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि आप इस चीज़ के लिए कैश लेके चले ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं ऑनलाइन करा था बट ऑनलाइन नहीं हुआ, फिर मुझे बाकायदा कैश देना पड़ा। तो अगर आप आ रहे हो ना भाई इधर साइड, तो भाई कैश जरूर लेके आना,
क्योंकि यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं, ना एयरटेल का, ना वोडाफोन, ना जियो, ना बीएसएनएल, कोई नहीं, ना प्रीपेड ना पोस्टपेड, कोई वाईफाई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं चलता भाई यहाँ पे। तो अब देख लो भाई सीन। तो मैंने अभी कोडिंग ली थी क्योंकि यहाँ पे भाई अब भूख लग गई, एक डेढ़ का डेढ़ दो का टाइम हो गया, तो कुछ बना रहे थे खाने के लिए सुबह के निकले हुए, तो पहुँचा सोनमार्ग भी है, तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो कोडिंग ली थी हमने अभी, यहाँ से ड्यू ले ली थी अभी। ये क्या बना रहे हो जी? बर्गर बना लो, एक एक बर्गर। तो भाई बर्गर बनाते हैं, पीछे से ये देखिए गाड़ी में ही है, तो बर्गर बनाते हैं पीछे। ये देखो अपना केचप आ गई, ये भी आ गई, बर्गर आ गए, चटनी भी आ गई, ये टमाटर खीरा प्याज भी आ गए, हाँ शेजवान सॉस लो, हाँ निकाल ले। तो ये आ गई, बस मेयोनीज डालेगी, मेयोनीज है तो गई, ले तो ली। कौन दे दी तेने मेयोनीज? मेयोनीज इसमें नहीं है। बढ़िया मौज कर दी। मेयोनीज कहीं डाल दियो, कह रही मेयोनीज इसमें नहीं है। तो कोई नहीं भाई, बर्गर खाते भाई, अपना सारा मटेरियल ये रहा एक साइड में रख दिया तो सारा बनाने के लिए, तो ये चीज़ तो खाते हैं और फिर यहाँ से निकलते सीधा सोनमार्ग। लमसम मेरे ख्याल से मैं 170-160 किलोमीटर चल चुका हूँ, और यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर सोनमार्ग है, तो पहुँच जाएंगे भाई सोनमार्ग। तो ये आके भाई अपनी मेयोनीज, तो बर्गर देखते पहले बनाते फिर देखना। अब ये पिज्जा पास्ता सॉस भी सब कुछ डालेगी क्या इसमें? चलो ठीक है भाई। भाई देखना सारा सामान मेरे ऊपर रख दिया है, और ये यहाँ बैठ के चॉपर लेके कह रहे गाड़ी के अंदर ही कटिंग करेंगे सब कुछ। तो बाहर धूल मिट्टी हो रही है भाई, हवा चली है काफी तेज, और इधर तो भाई नदी का नजारा। तो बर्गर भाई बाहर ही खाएंगे, बनाएंगे बेशक अंदर, लेकिन खाएंगे हम बाहर बर्गर। बाहर बर्गर बाहर खाओगे? बाहर नहीं खाएगी, यहीं खाएगी। चलो जी यहीं खा लेंगे, जैसी बात आपको हम तैसी मान लेंगे, नहीं मानेंगे तो बाबा रोटी मिल लिया शाम को। ज्यादा लेक्चर मत जाड़ो। अच्छा तो भाई ये देखो कुछ नजारा है यहाँ का ऊपर का, और पहाड़ी के नीचे खड़े भाई देखना, ये पहाड़ी नीचे खड़े कि काफी दूर है, साइड में कोई इशू नहीं है। तो भाई यहाँ पे हो रही है कटिंग, देखो खीरा कट रहा है, अपनी प्याज तो कट गई, खीरा यहाँ कट रहा है। अपना ऐसे ही हाथ चले, एक एक खाओगे? बस ये डल गई भाई हमारी सॉस केचप वाली, तो ये डल गई भाई अपनी मेयोनीज, बस वो डालो बस। पिज्जा पास्ता सॉस, ये देखो पिज्जा पास्ता सॉस, बस हाय 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 हाय। नजारों के साथ भाई बर्गर नजारा, और ये हमारे भोले जी। तो हमारे भोले जी कहाँ पे? कारगिल में भाई, और ये देखो दोस्तों हमारा बर्गर बन गया भाई एक, ये देखो बढ़िया, रखो वहीं रखो भाई। बर्गर हमारे दोनों रेडी, ये देखिए सामने, हाय हाय करना टेस्ट, ऊपर रख दो ना ये। मैं करूंगी, यस अपना ये देखा है भाई, नदी पीछे देखो भाई, पहाड़ और नदी के साथ बर्गर का मजा। रुको एक मिनट, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मजा बस ये था रास्ते में चल रहे हैं, टिक्की भी नहीं बना सकते नहीं तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। चलो बढ़िया, तो भाई हम भी खाते हैं बर्गर, करते टेस्ट।
अल्टीमेट वही जगह है। बस थोड़ा सेक आने बटर की वजह से, बटर क्योंकि टाइम नहीं है। तो भाई आशा जी ने बना दिया बर्गर बड़ा स्वादिष्ट, और इन नज़ारों के साथ तो अलग ही मज़ा आता है भाई। अब पीछे देखो भाई पूरा पैक है बिल्कुल। तो भाई बर्गर खाते हैं और निकलते फिर आगे। तो दोस्तों अपने बर्गर वर्गर हो गए भाई खाना पीना सामने नज़ारों के साथ, और यहाँ चलिए सफाई। और कूड़ा भाई हमने अब डाल लिया अपनी इस पन्नी में बर्गर वाली में, और कूड़ा कहीं डस्टबिन मिलेगा तो वहाँ पे डालते हैं कूड़ा, क्योंकि कहीं भी भाई स्टेकर कुछ भी खाना पीना हो तो भाई सीधी सी बात है नेचर है भाई, ब्यूटी है, तो आप कूड़ा कूड़ा कूड़ेदान में डालें ऐसे ही ना फेंके। तो हमने क्या किया देखो तो भाई निकलते हैं यहाँ से, अभी कम से कम पहुँचना है हमें 70-80 किलोमीटर, तो निकलते हैं यहाँ से। मजा आ गया बस बर्गर खाने में। yes. तो कोडिंग निकाल लो यार, कोडिंग रह रही है। हाँ जी। तो ये देखिए भाई इस नेचर के साथ में हमने बर्गर बनाए बढ़िया से गाड़ी में बैठे हुए, और जहाँ खड़े थे भाई सारे मोमडन थे, और यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है कुछ नहीं। हमें मैंने कहा भाई कुछ तो दे दो यार, हॉटस्पॉट दे दो और या फिर वाईफाई दे दो, पासवर्ड बता दो, कुछ तो बता दो। घर से यहाँ पे कुछ है ही नहीं, एयरटेल का वोडा फोन आइडिया कोई सिम ही नहीं है, यहाँ चलता ही नहीं है कुछ भी भाई। फिर मुझे कैश देना पड़ा, क्या करें। पीडिया ड्यू माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, पहाड़ों में चल रही है और डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। इसीलिए तो ड्यू लिवाई थी मैंने। अरे वाह, और क्या मन किया तो ड्यू ले हो या फिर लिप्ट। इन पहाड़ों के साथ आगे रखो, इन पहाड़ों के साथ ड्यू रखिए आगे। ये देखो इन पहाड़ों के साथ भाई माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। तो सीधी सी बात है भाई, डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू भाई। प्रमोट नहीं कर रहे हम कुछ भी ड्यू को, बस शौक के लिए लिया है और पहाड़ों की वजह से ये डायलॉग हमने बोल दिया है। सामने देखे भाई पहाड़ों की ब्यूटी आते हैं हम यहाँ पे, इधर पूरा पहाड़ ग्रीन मतलब फूलों से भरा पड़ा है ये देखो, और इधर देखो पूरा पहाड़ सूखा हुआ है। तो ये है कुछ नेचर की ब्यूटी भाई, कहाँ क्या चीज हो जाए कुछ नहीं पता, पूरे फूलों से भरा पड़ा है भाई यहाँ पे ये देखो, बेहतरीन पूरा पहाड़ फूलों से भरा हुआ है भाई, मजेदार। और इधर सूखा ये देखो सूखा हुआ। सामने देखे गाइस स्नो माउंटेन, सामने देख रहे हो जो टॉप के माउंटेन है इधर राइट में भी, और सामने देखिए स्नो के माउंटेन है भाई भरे हुए, फिर फुल भरे हुए स्नो से।